अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बड़े का वजरी साफ़ करने का एकदम परफेक्ट तरीका। ये देखिए, एकदम दूध के जैसा सफ़ेद दिख रहा है ना ये, और इसमें एक ज़रा भी स्मेल नहीं आएगा, क्योंकि स्मेल दूर करने का भी सही तरीका मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से साफ़ करके अगर आप कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए, हमने 1 किलो वजरी लिया है, और आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। और ये हमने पोटा का हिस्सा लिया है, जो साफ़ करना ज़्यादा मुश्किल है, तो यही मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसे हम कट करेंगे, तो आप छुरी से, बैठी से, या फिर इस तरह से कैंची की मदद से आप इसे कट कर लीजिए। बहुत छोटा नहीं करना। मैं ये देखिए, इतना साइज़ का मैं इसका टुकड़ा रख रही हूँ, और अंदर भी देखिए कितना कचरा है। तो अभी अंदर का हमें कुछ नहीं करना, इसमें एक नींबू का इस्तेमाल होगा जो हम बाद में करने वाले हैं। ये हमें खौलता हुआ गर्म पानी लिए हैं, और इसे हमने चूल्हे से उतार लिया है। अब इसमें हमने जो वजरी काट के रखा हुआ है वो मैं इसमें डालूँगी, और 3 मिनट के लिए मैं इसमें इसे सोख करके रखूँगी। 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना। बस अब इसे हमने निकाल लिया है, और ये काफ़ी गर्म हो जाता है 3 मिनट में। तो इसे हमें इस तरह से साफ़ करना है, बस छुरी आप चलाते रहिए, बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाएंगे। पोटा का हिस्सा जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और इस साइड का देखिए एक बार में ही इस तरह से साफ़ हो जाता है, और पोटा पे आपको 3-4 बार छुरी आपको चलाना पड़ेगा इस तरह से, तो एकदम ये काला काला जो हिस्सा है इसका हट जाएंगे। और मैं यहाँ पर एक टिप्स देना चाहूँगी, तो इसे बहुत ज़्यादा देर आप पानी में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा वजरी को, 3 मिनट से ज़्यादा, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगे, तो आसानी से नहीं निकलेंगे, मुश्किल आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने दोनों को, इसका काला काला जो हिस्सा था वो हमने साफ़ कर लिए हैं। अब इसे अंदर से हम साफ़ करेंगे, तो अंदर देखिए जो चर्बी है ना वो पूरा काला काला जैसा ही दिख रहा है, ये सब हमें साफ़ कर लेना है। बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं, हाथ से इसे छुड़ा लेंगे। ये देखिए कितना गंदगी निकला है, सब हमने साफ़ कर लिया है गंदगी। और काउंटर टॉप पर ही हमने वजरी को रखा, उस पर 1 चम्मच नमक डाले हैं, और जो नींबू दिखाए थे वो नींबू का, 1 नींबू का रस इसके ऊपर हमने डाले हैं। पहले इसे हम नींबू से रगड़ेंगे, और जिस तरह आप कपड़ा साफ़ करते हैं ना उसी तरह से इसे रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से धोएंगे, तो ये दूध के जैसा सफ़ेद हो जाएगा। उसके बाद में हम इसे स्मेल हटाएंगे इसका। तो पहले इसे हमें 6-7 पानी से अच्छी तरह से धो लेना है, और धोने के बाद सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे। तो आप इसे थोड़ा बड़ा ही काटें, क्योंकि ये पकने के बाद सुकर करके छोटा सा हो जाता है। तो मीडियम साइज़ के टुकड़े मैं इसका काट ले रही हूँ, और अब हम आपको बताएंगे इसका स्मेल कैसे दूर करना है। तो सबसे पहले हमने एक गमला में पानी ले लिए हैं, और आधा गमला तक पानी है, यानी करीब 1.5 से 2 गिलास पानी है। इसमें 1/2 कप विनीगर हमने डाले हैं, और इसमें हमने ये वजरी को डाल दिया है, और इसे करीब 1/2 घंटा के लिए हम छोड़ देंगे, और इसका स्मेल जो है ख़त्म हो जाएगा। और इसे कैसे बनाना है इसका तरीका हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।